हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन ऐप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम अपने दीन ऐप परिवार से बहुत ही जरूरी मुद्दों पे बात करने वाले हैं। ये मुद्दे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरे दीन ऐप परिवार के लिए इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप सभी स्टूडेंट्स को, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भाई हैं, दोस्त हैं, बंधु हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर आपकी मदद से कंप्लीट हो गया। हमारा दीन ऐप का जो परिवार है वो 50,000 सब्सक्राइबर को टच कर गया। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारा जो ये साल है 2022 का, वो भी एंड हो गया। बहुत अच्छे से रहा, चीज़ें अच्छी रही, ठीक है। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, एग्ज़ाम्स कई सारे पास आउट हुए, तो बहुत मज़ा आया। 2022 ख़त्म हुआ हमारा, 2023 स्टार्ट होने वाला है। तो 2023 के लिए हमने दीन और परिवार के लिए कुछ नए गोल्स रखे हैं। और जो भी नए गोल हैं, वो ऐसा नहीं है कि मैं अकेले अचीव कर लूँगा। हम सारे परिवार, पूरा परिवार, जो हमारा परिवार है 50,000 का परिवार है, और धीरे धीरे और बड़ा भी होगा, तो उस परिवार के साथ मिलकर हम उस नए गोल को अचीव करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद तो यही है। गोल क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ में। तो ज़्यादातर लोग मेरे नाम को जानते हैं कि मेरा नाम विश्वजीत सिंह है, मैं आपको एम ए हिस्ट्री 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। साथ साथ में कई सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि मैं करता क्या हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं पार्ट टाइम के तौर पर एज ए अकाउंटेंट वर्क करता हूँ दिल्ली के अंदर में, ठीक है। ये मेरा मतलब एक तरह से प्रोफेशन हो गया, एज ए अकाउंटेंट मैं वर्क करता हूँ। टीचिंग मेरी हॉबी है, ठीक है, जो मैं आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। रीज़न क्या है पढ़ाने का, तो जो चीज़ें मुझे नहीं मिली, कई जगह मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि पैसे की प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है, उसके कारण से मैं क्लासेस नहीं ले पाया, ठीक है। और इग्नू के अंदर में जो, और दिल्ली यूनिवर्सिटी इग्नू के अंदर में ये चीज़ें कमी रहती है स्टूडेंट्स के अंदर में, कि वो क्लासेस नहीं ले पाते, या फिर वो अपने आप सेल्फ स्टडी पे रहते हैं और उस तरह से क्लियर नहीं कर पाते। तो उसके कारण से मैंने यहाँ पे एमए की क्लासेस स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 साल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारा प्यार मिला है आप सभी स्टूडेंट्स से, जिसके कारण से आज मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मैंने एमए हिस्ट्री खुद इग्नू से ही किया है, तो मुझे बहुत अच्छा खासा अपना एक्सपीरियंस रहा कि किस तरह से चीज़ें फेस होती है, क्या प्रॉब्लम्स है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। अभी मैं जेआरएफ नेट की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, चल रहा है, प्रिपरेशन चल रहा है, साथ साथ में आपको पढ़ा भी रहा हूँ, अपना तैयारी भी कर रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाना मेरा हॉबी है कि चलो यार, एक तरह से वर्क करो, ठीक है। जो चीज़ें लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है उसको बताओ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उस लायक है कि उन्हें मिलना चाहिए पर वो ले नहीं पाते, तो उनके लिए मैं यहाँ पर ये वीडियोज़ बनाता हूँ। ये तो मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दीन अब जो हमारा परिवार है 50,000 का हो गया, थैंक यू सो मच एक बार दोबारा से। दीन अब के द्वारा एक नया चैनल स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है दी इनब इन्फो, नब इन्फो भी हम बोलते हैं, दी इनब इन्फो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आज सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल पे होने वाला क्या है, तो जितने भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे आपकी कॉलेज की हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की हो, कोई भी नया नोटिफिकेशन आया आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में, आपके फीस के रिगार्डिंग में, कुछ भी एनीथिंग, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। तो दी इनब इन्फो को जरूर सब्सक्राइब करें। और यही आपका इस वीडियो के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो क्या है, तो आज दीन अप के ऊपर में मैंने एक पोल डाला था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि दीन अप के ऊपर में जो हमारी क्लासेस होती हैं, हमें हिस्ट्री की क्लासेस होती हैं, क्या हमें पेड क्लासेस स्टार्ट करने चाहिए 22-23 सेशन के लिए, 23-24 सेशन के लिए, क्या हमें पेड क्लासेस स्टार्ट करने चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आया। अगर अभी तक आपने उस वीडियो के, उस जो आप पोल है उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया है, जाइए आप भी क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, ठीक है, कि क्या हमें पेड क्लासेस स्टार्ट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। अगर हमें स्टार्ट करते हैं तो हमारी फ़ी कितनी होनी चाहिए, आप तय कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके बेस पे हम हैं, हम एक परिवार है ना। तो नॉर्मल परिवार के अंदर में क्या है कि सब मिल बैठ कर बात करते हैं कि यार क्या होता है, क्या अच्छा है, क्या ख़राब है। तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए, जो भी आपके सजेशन होंगे कि सर फ्री में जिस तरह चल रहा है अगर उसी तरह चलने दीजिए, आई विल डू दैट, ठीक है। अगर आपके सजेशन रहेंगे कि नहीं पेड क्लासेस भी लेने चाहिए, पेड क्लासेस का मुद्दा आया कहाँ से, तो अभी मैं कुछ समय पहले एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो आसाम से बिलोंग करता है, एमए हिस्ट्री कर रहा है, अभी फर्स्ट ईयर में है। तो उसने बोला कि सर आप वीडियो डाल रहे हो, बहुत अच्छी वीडियोस हैं, वहीं पे कई सारे चैनल्स हैं जो पेड क्लासेस देते हैं, तो उन पे व्यूज़ ज़्यादा हैं, कम सब्सक्राइबर है पर व्यूज़ ज़्यादा हैं, पैसे ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, आपकी वीडियो कहीं ज़्यादा कंपेरेटिव समझ में आती है क्योंकि लोकल लैंग्वेज में आप समझा रहे हो, ईजिली टू अंडरस्टैंड होता है, हिस्ट्री को आपने बहुत ईजिली कर दिया मेरे लिए। उसने, स्टूडेंट ने ये बोला था, मेरे से वर्ड्स उसके याद हैं पूरे, ठीक है। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे पेड क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि फ्री की वैल्यू कई बार हम करते नहीं है, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है कि क्या पता जब पेड क्लासेस स्टार्ट की जाए तो उसकी वैल्यू की जाए, उसकी वर्थ समझी जाए कि क्या कीमत है। और जब हम एमए हिस्ट्री की बात करें तो एमए मतलब ये नहीं है कि यार आप छोटा मोटा ऐसे कोई कोर्स कर रहे हो,
एमए मतलब आप मास्टर की तैयारी कर रहे हो, उस फील्ड के अंदर में आपका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है, आप मास्टर बन जाओगे, ठीक है, आपसे कोई टक्कर नहीं ले सकता, मतलब इतनी नॉलेज होगी, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप बाहर क्लासेस लेते हो तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट पे करना होता है, यहाँ पर आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है, तो उसकी वर्थ समझी जाए, ठीक है। जो भी आपके कमेंट होंगे ना, जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा, आई विल एक्सेप्ट, ठीक है। जो भी आप बोलोगे कि सर इतनी फीस रख लो, ये कर लो, जो आपका अमाउंट होगा ना, आई विल डू दैट, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो के अंदर में। अब हम बात करते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो उसके बाद आपके गोल क्या है। अभी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दो सब्जेक्ट और बाकी हैं, ठीक है। जनवरी के अंदर में 7 और 9 जनवरी को उसका एग्ज़ाम होगा 2023 के अंदर में, वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड ईयर वालों का जिनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तो एक क्वेश्चन आप सभी सेकेंड ईयर वालों से मैं पूछना चाहूँगा, अब आगे का आपने क्या सोचा है, आगे आपको अब क्या करना है। तो जो स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है कि आगे मुझे क्या करना है, तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स का कहूँगा, तो आप हमारे दीन का ग्रुप को ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप के, ठीक है। जो भी डाउट है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या रास्ते हैं आगे, हम एमए हिस्ट्री करने के बाद क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कीजिए। गूगल पे जाइए, गूगल से पूछिए, गूगल नहीं है आपके आसपास में, अगर कोई घर के पास आसपास में बड़ा बंदा है, कोई टीचर है, कोई इंस्टीट्यूट है, कहीं भी है ना, वहाँ पे जाके पूछिए कि क्या ऑप्शंस हैं आपके पास एमए हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद में, आप क्या कर सकते हो, क्या क्या रास्ते खुलते हैं, ठीक है। कौन सा कोर्स कर सकते हो जिसके बेसिस पे आपको अच्छी नौकरी लग सके, ठीक है। क्या नॉलेज कहाँ से ले सकते हो उसके बारे में सोचिए। अगर कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, मुझसे बात कीजिए, मैं हूँ आपके लिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। 24x7 कभी भी नंबर चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा आपको, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए, मुझसे डायरेक्टली कॉल करके बात कीजिए, मैं आपका हेल्प करूंगा। तो उन सभी स्टूडेंट से मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि जो भी हैं तैयारी किए हैं, एमए हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए, डिग्री मिल जाएगी आपको, तो ये मत सोच के बैठिए कि यार एमए हिस्ट्री खत्म, मतलब आप मास्टर बन गए, डिग्री मिल गई आपको हिस्ट्री के अंदर में, खत्म, अब आप जो काम धंधा करें तो उसी को करना है, बिल्कुल नहीं। सजेशन में आप सबको ये दूंगा कि अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, जो भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, कोई भी बुक है एमए हिस्ट्री की आप उसको पढ़ते रहिए, जिससे आप उसको यूज्ड टू रहेंगे, चीज़ें भूलेंगे नहीं, ठीक है। जो भी हमारा दीनअप चैनल के ऊपर में वीडियोस अपलोड होती है उसको देखिए, पीछे की वीडियोस देखिए, उसको कंप्लीट कीजिए। कोई अगर एग्ज़ाम आपको देना है, जैसे मैं अभी इस समय नेट का एग्ज़ाम देने वाला हूँ, जेआरएफ नेट का, आप चाहते हो एमए हिस्ट्री के बाद आपको भी कॉलेज के अंदर में पढ़ाना है या कुछ और करना है, तो आप भी उसकी तैयारी कर सकते हैं। किस तरह से तैयारी होगा किसी और वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा, कि पूरा जेआरएफ नेट होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ में, अगर आप चाहोगे तो। जो भी आपकी कमेंट रहेंगे उसके ऊपर मैं रिस्पॉन्स करना मेरा काम है, ठीक है। लास्ट यहाँ पर जो टॉपिक रहने वाला है कि गोल क्या है 2023 का, दोस्तों गोल ये है कि हमारा जो 50,000 सब्सक्राइबर, पूरा फैमिली है 50,000 की, वो हमारी कंप्लीट हो गई 2022 के अंदर में। काफ़ी लंबा समय हमें तय करना पड़ा, मैं चाहता हूँ कि 2023 में जितनी जल्दी से जल्दी हम अपने 50,000 सब्सक्राइबर और गेन करें, ठीक है, टोटल 1 लाख का हमारा परिवार बने, ठीक है, बहुत बड़ा परिवार, 1 लाख का परिवार बने, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी। आप सबका योगदान अगर मिलेगा, आप सबका अगर सपोर्ट मिलेगा, तो बहुत जल्दी हम कर पाएंगे। एक रिक्वेस्ट भी रहेगी आप सभी स्टूडेंट से, कई बार मैं बोलता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, उसकी ज़रूरत क्यों होती है यार बोलने की। देखो ये तो आपके अंदर ना खुद ही होना चाहिए कि यार हम खुद कर दें। अगर आपके लिए लगता है कि कोई भी वीडियो हम देख रहे हैं, किसी भी चीज़ की वीडियो देख रहे हैं, लगता है कि वो वैल्यूबल है और आगे भी हमारे यूज़ में आने वाली है, आगे कुछ समय के लिए हमारा साथ ही देने वाला है वीडियो, तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर देना चाहिए। उससे मोटिवेशन होता है यार। मैंने देखता हूँ कई बार, जब मैंने पहली बार जब मैं हिस्ट्री की वीडियो डाली थी, तो बहुत कम लाइक शेयर सब्सक्राइब थे, जो मेरे दोस्त हैं जो साथ में मुझे, साथ मेरी टीम है जो मिल ऑलमोस्ट, ठीक है, तो वो नेगेटिव रिस्पॉन्स कर रहे थे कि यार इसको पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है हिस्ट्री का, ठीक है, जो तू पीछे का पढ़ा रहा है ना, बीए प्रोग्राम पढ़ा रहा है, सोल का पढ़ा रहा है, उसको ही पढ़ा, वो बेटर है, उस पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है। बट मैं चाहता था एमए हिस्ट्री पढ़ाऊँ, क्योंकि एमए हिस्ट्री के अंदर में बहुत ज़्यादा गैप था, कोई टीचर नहीं है यूट्यूब के अंदर में, आप ढूंढ लो कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो आपको एक एक सब्जेक्ट का पढ़ा रहा हो, ठीक है, एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट्स को क्लियर कर रहा हो, ठीक है, मुझे बताना, मुझे भी लिंक देना, मैं भी अपने बच्चों के साथ शेयर करूँगा कि मेरे साथ साथ इनकी वीडियो भी देखें, ठीक है। तो बहुत कम है, अगर हैं भी तो बहुत कम, गिने चुने हैं, तो उसके कारण से मैंने यहाँ पे एमए हिस्ट्री स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते कि यार और अच्छा मेहनत करना है, और मेहनत करना है, ठीक है। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं मिल रहा, मोटिवेशन नहीं आ रही, तो फिर तो छोड़ देते यार, हटा यार, क्या टॉपिक करवाना है, क्या चैप्टर करवाना है, क्या सिलेबस करवाना, हटाओ। तो सब कुछ आपके रिस्पॉन्स के ऊपर में होता है कि आप रिस्पॉन्स किस तरह से कर रहे हो। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी वीडियोज़ होती हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम अच्छे से वर्क कर सकें। एंड यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को खत्म करूँगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। जो भी सजेशन हो आपके, कमेंट करके बताइए, ठीक है। कुछ और आप बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको चीज़ें मिलेंगी, आप मुझे बता सकते हो। कोई डाउट हो आपके मन में, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहो, तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।